हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कामदेव का केवल शरीर ही भस्म हुआ है। केवल शरीर ही भस्म हुआ है अर्थात? कामदेव अमर है, हमारे हाथों केवल उसका शरीर ही भस्म हुआ है। मेरे पति जीवित हैं। मैं अभी सुहागन हूँ। मेरे पति जीवित हैं तो वो है कहाँ? दिखाई क्यों नहीं देते? हे महादेव, हे दया सागर, मुझ पे कृपा कीजिए। मेरे सुहाग को मुझे लौटा दीजिए महादेव। मेरी उजड़ी मांग को फिर से सुसज्जित कर दीजिए। मेरी झोली में प्रेम की भिक्षा डाल दीजिए महादेव। मेरे जीवन साथी को मुझे लौटा दीजिए। मुझ पर दया कीजिए महादेव। असंभव, असंभव। कामदेव का शरीर भस्म हो चुका है, अब वो माटी का पुतला नहीं बन सकता। अब वो केवल राख है, राख। तो फिर मुझे भी भस्म कीजिए महादेव, मुझे भी भस्म कीजिए। मेरे भी शरीर को राख बना दीजिए, ताकि मेरे शरीर की राख मेरे सुहाग की राख में मिल जाए। मैं उससे अलग नहीं रह सकती महादेव, नहीं रह सकती। कृपा करके मुझे भी भस्म कर दीजिए। देवी रति, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कामदेव का केवल शरीर ही भस्म हुआ है। केवल शरीर ही भस्म हुआ है अर्थात? कामदेव अमर है, हमारे हाथों केवल उसका शरीर ही भस्म हुआ है। मेरे पति जीवित हैं। मैं अभी सुहागन हूँ। मेरे पति जीवित हैं तो वो हैं कहाँ? दिखाई क्यों नहीं देते? नारायण नारायण, दिखाई कैसे देंगे देवी? उनका शरीर तो भस्म हो चुका है। अब उन्हें एक नया शरीर देना होगा। तो उन्हें नया शरीर मिलेगा? हाँ देवी। तो आप कामदेव को शीघ्र ही शरीर प्रदान करेंगे प्रभु? हाँ महादेव, कामदेव को पुनः शरीर प्रदान कीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को पुनः शरीर प्रदान कीजिए। ये कार्य अति शीघ्र नहीं हो सकता। वो क्यों महादेव? इसके लिए युगों तक प्रतीक्षा करनी होगी। अर्थात लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा? इतने युगों तक यदि उन्हें शरीर न मिला तो मैं उनके दर्शन कैसे करूंगी? उनकी मैं आरती कैसे उतारूंगी? उनकी पूजा कैसे करूंगी मैं? निराश क्यों होती हो देवी? निराशा दयावान विधाता की दया का अपमान है। प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। महादेव, मुझ पर दया कीजिए, अपनी लीला दिखाइए, मेरे नाथ को प्रकट कीजिए महादेव। प्रणाम महादेव। प्रणाम 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 देवगण। प्रणाम देवगण। देवी रति, ये कामदेव का अशरीरी रूप है। महादेव, महादेव, मुझे अपना शरीर खोने का खेद नहीं है, क्योंकि मैंने देवलोक के उद्धार के लिए आपको जगाते हुए अनायास ही आपके क्रोध को जगा दिया। होनी तो हो गई महादेव, परंतु मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ये नया रूप दिया। महादेव, मेरे पति को शरीर कब मिलेगा?
आज से लाखों वर्ष पश्चात द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर अधर्म का संहार करने के लिए जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में देवी लक्ष्मी के गर्भ से प्रद्युम्न जन्म लेंगे और यही प्रद्युम्न कामदेव का अवतार भी होंगे। अर्थात प्रद्युम्न के जन्म होने के पश्चात ही देवी रति और कामदेव का पुनर्मिलन होगा। नारायण नारायण नारायण। नहीं, द्वापर युग तक कामदेव को सिवाय आपके और कोई नहीं देख पाएगा। नारायण नारायण। देवी, आप दोनों का प्रत्यक्ष मिलन तो तब होगा जब प्रद्युम्न दैत्यराज शमरासुर का वध करेगा। प्रद्युम्न,